Assalamualaikum guys, वैसे तो मैं इस टाइम व्लॉग नहीं बनाता लेकिन आज एक पास से बना रहा हूँ। मैं आज दिल कर बड़ा तकरीबन अभी हो रहा है 50 का टाइम, लेकिन आज ही रात से हमारे ऐतराज शहर में हो रही है बारिश और सर्दी भी लग रही है ठंडी ठंडी। और ये दिखाता हूँ बारिश में आपको, तो नीचे की साइड ही जा रहा हूँ मैं आपको, जाके दिखाता हूँ। यहाँ से नज़र नहीं आएगी बारिश में सर, मैंने फ्लैश बंद कर दी तो शक्ल भी नज़र नहीं आएगी। तो व्लॉग में से मैं सुबह शुरू करूँगा, मेरे यहाँ फ्रेंड्स में 4 बजे जुड़ गए साथ, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ बारिश, देखिए और दीजिएगा बारिश को। ये देखिए दोस्तों, सारी सड़कें वड़के सब कुछ गीला हुआ पड़ा यार। और शुक्र है मैंने रात को बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी थी, ये खड़ी मेरी बाइक, ये देखिए। और बाकी ये सब देखिए कैसा हो रहा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है दोस्तों। मोटर शोटर भी चेक करने आया था मैं कि बंद है क्या नहीं, यहाँ से बटन से जो भी चेक करते हैं। और अभी अलहमदिल्ला सर्दियों की पहली बारिश हो चुकी है और आती ही रात से हो रही है, और अल्लाह माफ़ करे अभी तो आवाज़ें कम हो रही है ना, बादल इतने ज़्यादा गरज रहे थे इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब दोस्तों इंशाल्लाह आपसे डायरेक्ट करके सुबह मुलाकात, क्योंकि लग रही है सर्दी और नींद भी अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली है अलहमदिल्ला, तो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह तला की रहमत कर अभी से नया अच्छी मदद से व्लॉग का कर लेते हैं। अगर तो भाई डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपके भाई की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बहुत महसूस हो सके। तो उस अल्लाह तला के प्यारे नाम भी जाते हैं अच्छी मदद से व्लॉग का कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा तो दोस्तों सुबह हो चुके हैं हमारी, तो दोस्तों यार इंट्रो मैंने फर्स्ट में डाल दी लेकिन जो सुबह तक लिखता यानी कि जो बारिश वाला वो फिर अभी इस क्लिप से पहले लग लिखता। तो भाई यार रात को काफ़ी मज़े वाली बारिश हुई है, तो ठंडा ठंडा माहौल भी हो रहा है। तो मम्मा कितनी बारिश हुई है रात में? हुई है तेज हल्की, रात के 3 बजे से हो रही, क्या वो पता है? बादल कैसे गरज तेज तेज, मैं आवाज़ नहीं उनकी रिकॉर्ड कर सकी। क्या आएगी बादलों की कितनी तेज से गरज रहे थे, कितनी तेज तेज गरज रहे थे ये पूछ रहा हूँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आवाज नहीं रिकॉर्ड कर सके तो बता देती। हाँ अच्छा फिर बताती। तो दोस्तों ओ हाँ अस्सलाम वालेकुम, सॉरी भूल गया मैं। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बहन भाई हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। जी भाई हो। तो दोस्तों उसके अलावा यारो अभी आपका भाई जा रहा है हलवा पूरी लेने के लिए, क्योंकि आज है संडे और लग रहा है कपड़ों का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि लाइट नहीं है और बारिश हुई थी उसके वजह से लाइट बड़ी छुमटते हुई है, पता नहीं कब जाके लाइट आती है। तो अभी जा रहा हूँ हलवा पूरी लेने के लिए, हाँ फिर धोएंगे कपड़े अगर लाइट आ गई तो। तो अब जल्दी जल्दी आते हैं हलवा पूरी लेकर आते हैं और आपको भी साथ में बाहर लिए चलते हैं और बाहर का थोड़ा बहुत माहौल दिखाते हैं। अच्छा तो दोस्तों आप लोग देख लो बाहर का माहौल, भाई पानी पानी हो रहा है हर जगह। ओए होए होए तो भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है, गटरों का भी पानी भरा पड़ा है। ओए होए 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 भाई वो बड़ी देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखो भाई सलाबी रेल आया हुआ है, रास्ता खुला हुआ, यहाँ से चल लेते ऊपर से रास्ते कौन नहीं था। तो वो देखिए सामने कहाँ तक पानी भरा हुआ है यार, तो मोबाइल को रखते हैं जेब में और बोली लेने चल लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों माशाल्लाह हलवा पूरी लेने के लिए पहुंच गए, तो भाई जान रश चेक करो बस, वही रश ने तो अंधा ही मचाई हुई, इतना ज़्यादा रश हो रहा है, बारिश का असर भाई और कुछ भी नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी हलवा पूरी लेते और सीधा चलते हैं घर। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत तो मुशक्कत की है कि 1 घंटे की मेहनत के बाद बिल आखिर हलवा पूरी ले ली गई है। पूरा 1 घंटा खड़ा हुआ यार, लातों का पानी निकल गया यार, और भाई रोड भी बड़ा पानी हो रहा है, रिस्की रिस्की हो रहा है खास से बाइक चलाना। तो ऐसा करते हैं भाई जान, अरे हाय हाय पानी बहुत हो रहा है भाई, पूरा हैदराबाद डूबा पड़ा है ऐसा लग रहा है यार आज तो। खैर वैसे बारिश बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारिश थी, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा बारिश थी। बस पहुँचने वाले हैं घर, पानी से निकले। तो ऐसा करते दोस्तों बाकी की बात है घर जाके करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई घर पे आ चुका था, तो यार पेट पूजा कर लेगी, इतनी भूख लगेगी व्लॉग बनाना ही भूल गया था। लेकिन छोटे भाईजान खा रहे हैं खाना, तो क्या कर रहे हैं छोटे भाईजान, फुल पूरियां शूरियां दबा रहे सबसे ज्यादा, तो खा कर चले गया। पापा जी किस सबसे ज्यादा किसने पूरियां दबाई हैं? यादव शादेव ने सबसे ज्यादा पूरियां किसने खाए? नहीं नहीं जम्मी ने बनाया था।
पराठा तो मैंने खाया था, मैंने कोई पूरी एक खाई है। मैंने तीन पूरी खाई है, तूने एक पराठा एक पूरी खाई है। सोच ले पराठा और तीन पूरी के बराबर। जो मैं कीमे वाला पराठा ले गया था सबसे हैवी पीस आपने खाया, अब बोलो। वो नहीं जो अम्मी ने बनाया, वो तो मैं समझ गया बात है, लेकिन सबसे हैवी पीस भी तो आपने खाया, आप ये भी तो देख लो। वापस से बातें करा लिया करो, बस बातों जितने हो। अब मैं मम्मा से पूछ के बतवाता हूँ। ओ मम्मा जी को छोड़ो यार, बात पूछ लेगी यार। चाय रखी हुई, चाय ठंडी हो रही है, चाय को पी लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं, समझा करो यार। सही है। भाई तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई जान? पानी लेने के लिए जा रही, पेट्रोल डलवा के आए। ठंड है, ठंड है, ठंड है। दोस्तों अलहमदुल्ला पानी अकेले लेने के लिए आया मैं, पता नहीं अकेले अंकल कहाँ गायब हो गए, नजर ही नहीं आ रहे। पानी चालू कर रहे हैं, पानी चालू करने गया मैं। अच्छा ये हाथ डाले भाई, वो भाई सबर करो जब तक मैं अपनी कहानी बताऊँ। बारिश क्या हो रहा है? हाँ बताओ बताओ। तीन बजे दोस्तों मेरा फिल्म नहीं है, बारिश नहीं लगे, फिर ओले भी गिरे। अच्छा कौन सा एंगल से गिरा? सीधे आसमान से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बारिश कैसे हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह गलती से हो गई ना, बेहतरीन हुई है। चलो रात को भी एंजॉय किया। A few moments later दोस्तों अलहमदुल्ला पानी के ले आए थे, देन फिर उसके बाद यार ब्लॉग ही नहीं बनाया आपके भाई ने, क्योंकि आज आपके भाई को लग रही है ठंड बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या बात है, ठंड हो रही है आज तो। वो उतार के रख दी ना, मैंने बैठा हुआ था कमरे में, उतार के रख दी थी इसलिए नहीं पहनी हुई। तो दोस्तों ठंड हो रही है, लेकिन ठंड का भी इलाज आ चुका है, आ चुकी है मछली भाई जान। आज फर्स्ट टाइम सर्दियों में, यानी कि सर्दियों से पहले यानी फर्स्ट टाइम मछली खा रहे हैं इस सीज़न की। तो पापा जानी टेस्ट करिए बाबा कैसी है मछली। अबे भाई म्यूजिक बंद कर दे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी मेरे को। जबरदस्त दरिया की है। अच्छा जी सिंध दरिया, सिंध दरियाओं के किनारे पल्ला मछली खाऊं मैं। राव मछली है, हैं? अच्छा राव है, चल राव खाएंगे। मिस्टर राव। तो दोस्तों बिना आपको जाएके मछली को एंजॉय करते हुए, ठंडी फिर ठंडी होगी तो क्या मजा आएगा, जल्दी से मछली खा लेते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोपहर का खाना शाना खा लिया, लेकिन फिश को एंजॉय कर लिया। लेकिन दोस्तों सर्दी इतनी हो रही है कि ये देखो मैं कैसे बैठा हूँ और छोटे भाई यहाँ कैसे बैठा हूँ, मेरे को लग रही है तेरे ठंडी लग रही है। तो तेरे पास कुछ नहीं है क्या पहनने को? है जूठे, वो क्या पड़ा, वो कुर्सी पर पड़ा हुआ है जूठे, पहन ले सर्दी लग जाएगी। भाई समझा करो ना, कूल लगने के लिए बगैर जैकेट के लिए घूमना पड़ता है, बस सर्दी लग जाएगी। तो मैं कौन सा करते हैं बाहर निकलने लगा। यही बात है, घर से बाहर कौन सा जा रहा है। दोस्तों मैं भी थोड़ी बाद में ही करता। तो भाई अभी मैंने जाना है कब्रिस्तान फातिहा खानी का, कब्रिस्तान फातिहा खानी करके आते हैं, नमाज के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। 8 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई कब्रिस्तान से आ गए थे, देन फिर अभी अभी थोड़ी देर हुई है, यानी कि अभी टाइम हो रहा है कि 8 बजने में चंद मिनट रह गए, तो लाइट भी अभी अभी आई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ है लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात की 3 बजे की लाइट गई हुई और अभी आई है लाइट, तो आप साफ लगा सकते हो कि लाइट ने कितना जल्दी कराई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम के साथ, और माशाल्लाह जरूर करिएगा कि हमारी बैटरी को नज़र ना लगे, काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड निकाली गई। एक तो सर्दियाँ पंखे वंखे चल नहीं रहा, ओ भाई अल्लाह के बदले बंद करते, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तू भाई जान के दुश्मन बना हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई फिर हैं ही दांत निकाल रहा। तो भाई यार मम्मा ने दिए चाय बना के, जरा चेक करो। तो जल्दी जल्दी चाय को एंजॉय करते हैं, बाबा साईं सामने बैठे हैं, मैं मोबाइल चला रहे, तो हम भी चाय को एंजॉय कर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। भाई अभी अभी वीडियो अपलोड करके हटो तो आपने नहीं देखी, जाके देखना काफ़ी मजेदार ब्लॉग था जिसके अंदर मैंने अपनी मम्मा का एक सीन बताया। तो अब जल्दी जल्दी मैं भी चाय को एंजॉय करता हूँ और फिर बाकी बातें बाद में करता हूँ, साथ में मोबाइल को स्क्रॉल कर लेते थोड़ा बहुत। तो दोस्तों चाय वाय पीने के बाद आपके भाई ने ब्लॉग बनाया ही नहीं यार, क्योंकि छोटे भाई जान चला गया, तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो बैठ के मोबाइल स्क्रॉलिंग जैसा आपको बता रहा मैं कर रहा था। तो छोटे भाई जान गया अपने दोस्त के साथ बाहर खुला खुला करने के लिए, मना भी कर रहे थे, फिर भी चला गया भाग गया, तो मैं देखो अकेला छोड़ गया बोर होने के लिए। तो अब दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मम्मा लोग भी उधर काम कर रहे हैं अपना, तो मैं यहाँ पर फारिग क्या करता रहूँ। तो सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ, तो आप लोग बोल रहे हो रोशनी हो रही है इतनी गर्मी, कोई भाई कल रात से लाइट नहीं थी, तो आज कहीं नहीं लाइट हो रही है, मेरे बालों में मच जाएगा, बाल मेरे ऐसे ही हो रहे हैं, बस कंगी शंगी नहीं करी हुई, ऐसे ऐसे ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि मैं करने लगा ब्लॉग को एंड। अगर जो अच्छा लगा और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हो एंड इस ब्लॉग में, तो आप सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। और अगर जो आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल वीडियो नहीं ब्लॉग को
ब्लॉग को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी कहीं पर मत जाना। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपके भाई यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर्फ मौसू हो सके। तो दोस्तों आजकल जल्दी शादी की तैयारियाँ तो उसी के अंदर मसरूफ है, टाइम का पता नहीं चलता। तो बस आज के इतना ही मेरे कैसे कॉन्टेंट अपडेट्स में अभी लोग के साथ, बेस्ट टेक केयर, बहुत टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।